ऑटिस्टिक बच्चे जब मतलब बड़े हो जाते हैं और उनकी और बड़े होते जाते हैं और एक मेच्योर एज में आ जाते हैं या टीन से बाहर निकल जाते हैं, तो उनमें किस किस्म के मसाइल होते हैं? जो जब बच्चे बड़े होते हैं, टीन एजर्स से बाहर जो होते हैं, तो एक तो आप देखेंगे कि आप उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से जब वो इस एज पे पहुंच जाएं कि वो अपना ख्याल खुद रख लिया करेंगे, वो अपने मसाइल को हल कर लेंगे, वो अपने पढ़ाई के फैसले कर लेंगे, वो हो सकता है किसी जॉब के बारे में सोचना शुरू कर दें। एक तो ये आप चाह रहे होते हैं कि हो। तो अक्सर जिन बच्चों में, खास तौर पे क्योंकि ऑटिज्म में अगर 10 10 बच्चों को ऑटिज्म है, तो उसमें से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको जहनी ओवरऑल कमज़ोरी का भी कुछ ना कुछ होगा, 7 मसला, यानी कि उनका IQ लेवल भी ओवरऑल से कुछ ना कुछ कम होगा। 3, यानी 10 में से 3 का को कोई मसला नहीं होता, लेकिन 7 में मसला होने का चांस होता है। तो जब ये चीज़ें साथ होंगी, तो इसका मतलब है कि बच्चे इस उम्र में आके अपने आप को संभालने, अपने कामकाज करने या अपनी पढ़ाई से मुतलिक फैसले करने के में बहुत तेज़ नहीं होंगे। लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने, अगर अच्छी ट्रेनिंग रही है पीछे, तो बाकी चीज़ें उन्होंने सीख ली होंगी। मतलब उन्होंने अपना खाना खाना सीख लिया होगा, अपने कपड़े बदलना सीख लिए होंगे, सोना जागना, उसका टाइम मैनेज करना, अपनी हॉबीज, दिलचस्पी के काम करना, ये चीज़ें सीख ली होंगी। जब ये कर लिया होता है, तो इस टाइम पे ज़रूरी होता है अच्छी ज़हनी सेहत के लिए कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें किसी चीज़ में। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग टाइम है, ख़ास तौर पे हमारे लिए एज प्रोवाइडर्स, कि हमारे पास इस तरह की सर्विसेज नहीं हैं जो इस तरह के बच्चों को या इस तरह के नौजवानों को इंगेज कर सकें। तो मेरा मशवरा ये होगा, क्योंकि अभी सर्विसेज इतनी खास नहीं है, कि आप जहाँ भी कुछ स्किल लर्निंग की तरह जा सकते हैं ना, जो कि कोई भी जो भी दिलचस्पी इनकी, अक्सर बच्चे आज कंप्यूटर में की चीज़ों में सीखने में होते हैं तेज़, खास तौर पर ऑटिस्टिक बच्चे, तो उसकी तरफ कुछ सिखाने की तरफ लेके जाएं और इस तरह की जगहों पे भेजें सीखने के लिए जो इसको, इनकी ऑटिस्टिकनेस को केटर करने को तैयार हूँ, उनको मसला ना हो कि ये जवाब जल्दी जवाब नहीं देता या बात नहीं करता, वो इस बात पे परेशान ना हो रहे। एक तो ये, दूसरा अक्सर इस एज के बच्चों के दोस्त होते हैं, वो दोस्त साथ जाते हैं फिरते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के दोस्त अक्सर बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छे लोगों, अच्छी अगर रहा हो माहौल और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हूँ, तो कोई एक आध दोस्त होगा। तो ये भी एक मसला है। बहुत अकलमंद ऑटिस्टिक बच्चों को ये मसला महसूस भी होगा। तो उसमें भी आपने हर चीज जो बाकी लोगों को करनी चाहिए और इनको नहीं आ रही, उसमें आपने उनको हेल्प करनी है, उनको वहां तक लेके जाना है, माहौल इस तरह का बना के देना है।